आपको पता है मैं आज उदास क्यों? क्योंकि हमने जाना है बहरीन शारजाह फॉर एग्जिट री एंट्री, और मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। और तो चले तैयारियां करते हैं। शाहजहान को खिलौने देकर इसे मसरूफ रखकर हमने अपनी डिस्ट्रैक्शन को दूर किया और तैयारियां शुरू की। जाने के लिए मैंने खाने पीने का सामान इकट्ठा करना शुरू किया, साथ ही साथ उज़ैर ने मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया कि मुझे अपनी वीडियोस के लिए एक नया स्टाइल डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि और व्यूज़ आए। और ये सोचते सोचते मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो गया है। तो इसी से मुझे आइडिया आया कि यही तो है मेरी पंच लाइन, क्योंकि मेरी लाइफ में मसले ही इतने हैं कि मैं उनको काफ़ी देर तक लेकर बैठ जाती हूँ। जैसे कि देखें, ये मसला है, सॉफ्टमेंट भी बाहर रह गई सारा खाना पैक करते हुए। तो अब से मेरी जो पंच लाइन है वो यही है कि मसाइल कुछ ऐसे हैं, मसले कुछ ऐसे हैं। जल्दी से मैंने थोड़ा सा कैश रख लिया और एक और मसला निकल आया कि मैं पासपोर्ट रखना तो भूल ही गई थी। और एक और मसला आपको सुनाई दे रहा है। सो फाइनली हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए बहुत सारी तैयारियों के साथ। मैं आपको दिखा दी, मैंने सारे अपने शॉपर्स और सब सेट कर दिया। और मैं अभी से बहुत ज़्यादा थकी थकी हूँ, मैंने काफ़ी काम किया है, सारा दिन बस काम ही किया है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब देखें सफ़र कैसा रहता है। वैसे कोशिश तो ये होगी कि जागूँ और शाहजहान को तो मैं सुला ही देना है रास्ते में ताकि सफ़र आसानी से कट जाए। तो फाइनली हमारे सफ़र का आगाज हो गया है। हम लोग थोड़ा सा आधा पौना घंटे का हमने ड्राइव कर ली है और रास्ते में एक पेट्रोल पंप आया था, हमने कहा चलें यहाँ रुक जाते हैं ज़रा, कुछ थोड़ा सा शाहजहान भी तंग कर रहा था तो हमने कहा चल इसको तरफ टहला भी देते हैं और दोनों बाप बेटे गए कुछ ले भी लेंगे शॉप से, कह रहे थे शायद चाय वाय में भी लें, चाय तो हम पी के निकले फिर भी आई डोंट नो। गाड़ी से इस चांद को देखकर मुझे कराची के वो लोड शेडिंग वाले दिन याद आ गए जब हम छत पर बैठकर चांद को बड़ी देर तक देखा करते थे। सो अभी हम आ चुके हैं, हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और अब हम उज़ैर गया है टैक्सी वाले से बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ उज़ैर वेट करेगा और मैं और शाहजहान अकेले टैक्सी में जाएंगे बहरीन, यू टर्न लेकर हम वापस आएंगे। हमारा हो गया यू टर्न, में और शाहजहान जब गए थे उस टैक्सी में बैठकर तो हम हुआ है और दो होने में जा। और यह है कि मैं आपको बता रही हूँ कितनी कॉस्ट पड़ती है हमको आने के लिए गाड़ी की, एक पेट्रोल की टंकी लाइक फुल, जो कि आप लगा लो 100 रियाल, तो 100 रियाल आना 100 रियाल जाना। 100 रियाल का हमारा लगता है वीज़ा, बहरीन का 50 मेरा, 50 शाहजहान का, ठीक है ये हो गए 300 रियाल। और उसके अलावा लगते हैं पैसे, वैसे हम जब भी आते हैं तो टैक्सी हमें चार्ज करती है 200 रियाल सिर्फ यू टर्न करने के, बट दिस टाइम उन्होंने हमें चार्ज किए हैं 150 दिया, तो ये हो गई कुल मिला के 450 रियाल। और जो ऊपर का खर्चा आप लगा लो 100-150 रियाल वो खाना पीना या वहाँ। तो
तो बस ऐसे ही अल्लाह अल्लाह करते करते हमने उर्दू का नहीं बल्कि अंग्रेज़ी का सफ़र किया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो।